खुशी और आप देख रहे हैं एनसीआर हरियाणा। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। सोहना ताबड़ू में कल्याण सिंह चौहान किसी ने बिगाड़ दिया। भाजपा और कांग्रेस का गढ़ेदिस सोहना विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हर दिन नई रोचकता के साथ शुरू होता है। जहां वहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन कल्याण सिंह चौहान ने दोनों ही पार्टियों के गणित को खराब करने का काम किया है। कल्याण का चुनाव प्रचार जोर पकड़ते ही दोनों पार्टियों को फिर से नए समीकरणों पर काम करना पड़ रहा है। जहां कांग्रेस भाजपा की कमियां गिनाकर वोटर को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने विकास के दावों के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी कल्याण सिंह चौहान बीते 5 वर्षों में कराए गए जनहित के कार्यों को लेकर चुनाव मैदान में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनको मिल रहे जनसमर्थन ने चुनाव की दिशा बदलने का काम किया है। कल्याण सिंह चौहान का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से सोहना ताबड़ू की जनता के बीच रहे हैं। उनके हर सुख दुख में वे शामिल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वे जहां भी पहुंच रहे हैं जनता का असीम प्रेम व समर्थन उन्हें मिल रहा है। इन 6 सालों में कोई गांव ऐसा सूखा नहीं छोड़ा, जिस गांव में क्षेत्र का सरकार का पैसा हमारे उस गांव में ना लगा हो। लेकिन आपके सम्मान के लिए अगर ऐसा भी हुआ कि जहां सरकार का पैसा ना लगता हो, वहां आपके बच्चे ने अपनी जेब से भी गुरेज नहीं करा है। अपने जेब से भी करते हैं। और ये काम आज जो बहने तुम बता रही थी कि हमारी बसों में जो बहने जाती हैं, मुझे ताबड़ू से लेकर सोना तक जो बहने जाती थी, तो माँ अपने दिल को पकड़ के बैठी रहती थी कि मेरी बच्ची कब सुरक्षित वापिस आएगी और कब वो पढ़ाई आगे बढ़ाएगी। लेकिन आपके साथी, आपके भाई ने आज इतना अपने रुतबे से कर रखा है कि बसें सरकार नहीं चला रही है, तो ये बसें कल्याण सिंह ऐसे ही चलती रहेंगी। कभी कोई सोचता हो कि बसें बंद हो जाएंगी या कल्याण सिंह चेयरमैन नहीं बना, विधायक नहीं बना या मंत्री नहीं बना तो ये बसें बंद हो जाएंगी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 6 साल से बस चल रही है और जब तक कल्याण सिंह जिंदा रहेगा ये बसें ऐसे ही चलती रहेंगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एनसीआर हरियाणा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।